महाप्रभु श्री रामलाल जी पार ब्रह्म भगवान की जय। अनाथनाथ महादानी परम योगेश्वर मूलकेश्वर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। योगेश्वर देवी दयाल जी भगवान जी के श्री मुख से निकले हुए श्री वचनों का कुछ अंश। दुनिया भर का जितना भी संबंध है गुरु में ही समझो, और जो कुछ हमने समझा वो आपको बता रहे हैं, और यही एक रास्ता है। भगवान शिव कहते हैं ऊंचे सुर पर, ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु है नहीं, गुरु नाम के बहुत हैं, आडंबर बहुत रचते हैं, आप उनसे प्रलोभित हो जाते हैं, आप उनके चेले बन जाते हैं। बनता कख नहीं है बिल्कुल, सुबह से शाम, शाम से रात, सारी उम्र आपकी जाया हो जाती है, कोई फायदा नहीं है। गुरु लागा तब जानिए मन का मेटे विकार, आपका खाना बदल गया हो, पीना बदल गया हो, बर्तन बदल गए हो, व्यवहार बदल गया हो, तो समझो भाई लगी बात, अब आगे भी कुछ मिल जाएगा। नहीं तो हम इसमें गोल रहते हैं, मंत्र ले लिया तो क्या फ़ायदा, कोई लाभ नहीं, मन नहीं टिका तो कोई लाभ नहीं। आप वर्षों सालों बैठे हो, मन को टिकाने के लिए नाक से दूध पियो, नशा चढ़ जाएगा, घी पियो, ऐसे सोओगे जैसे क्लोरोफॉर्म सूंघा हुआ हो। ये साथ साथ में जोड़ मेल है, इसके बिना योग कोई नहीं कर सकता। आसन वासन मारने का नाम योग नहीं है, आसन एक पार्ट है। अगर आपके अंदर गंदगी है और आप आसन करते हैं तो उल्टा चक्कर में पड़ोगे। पहली क्रियाओं द्वारा मस्तक को शुद्ध करो, उसको ठीक करो, ठीक करने के बाद फिर शरीर को हिलाओ डुलाओ। यदि आपको रेशा जुकाम लगता है, आपने शीश आसन मार लिया तो पागल हो जाओगे। अगर पेट के अंदर दर्द है और आपने उल्टा पुल्टा आसन मार लिया तो और फंस जाओगे। इसलिए उसी को गुरु कहते हैं जो जानकार हो, आपकी बॉडी का भी जानकार हो, आपके मन की गतियाँ गतिविधियों का भी जानकार हो, गतिविधियों को जानता हो, ग्रस्त की भी पूरी छानबीन करके आगे निकला हो, तब जाकर उसको गुरु समझो। और उनके पास जाने आने से आपको कुछ मिले ना ही नोट मिले, लेने देने में कुछ ना हो, ना उसको कुछ दो ना लो, कुछ भी नहीं चाहते हम, एक फूल भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। गुरु के पास जाओ बस, वह समझता है, आपकी सारी पिक्चर खींच लेता है, आपको हाथ लगाता नहीं है, ना कोई एक्सरे लेता है, ना कोई ईसीजी कराता है, आप सामने आ जाओ बस। अगर गुरु सही है तो आपको पा जाएगा, आपको कोई सिफारिश की लोड़ नहीं है, आपको कोई नोट चढ़ाने की लोड़ नहीं है, कोई बर्फ़ी लाने की लोड़ नहीं है, कोई किसी प्रकार की पेटी भर के लाने की आवश्यकता नहीं है। ये गुरु तो न्यारा ही देखा है, इसको रामलाल प्रभु जी कहते हैं। पंडित भी थे, विद्वान भी थे, जोशी भी थे, सारी विद्याओं का एक आगार भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने जाकर गुरु को देखा, गुरु का आशीर्वाद लिया और गुरु को संतुष्ट किया। संतुष्ट करने के बाद शिष्य गुरु हो जाता है, फिर शिष्य नहीं रहता, गुरु और शिष्य में एकता आ जाती है। आप गुरु नहीं बने तो शिष्य तो बन जाओ, शिष्य बनने से ही कल्याण हो जाता है। महावीर शिष्य ही तो था, दूत था, कल्याण कर गया देश का भी, अपना भी कर गया। इसलिए वीरों अब तो चल पड़ो, रास्ता सही है, गुरु भी सही है, ये दरबार भी सही है, और कार्य कुशलता भी है, जुबानी जमा खर्च कुछ नहीं है। आप आते हो 7 दिन के अंदर अंदर चेहरा बदल जाता है, आपका व्यवहार बदल जाता है, अच्छा लगता है आपको, नशा छूट जाता है, गंदी बातें छूट जाती हैं, आप मस्त रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। यही हम चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसा सब हो। आप सबको आशीर्वाद है, आप इकट्ठे होते हैं और आगे बढ़ो, संख्या बढ़ाओ एक दूसरे की। सबसे बड़ा मित्र तो वह है जो भगवान के चरणों में लगाए, गुरु चरणों में लगाए, उनसे योग शक्तियों का संचार होता चला जाए, इस चीज़ को बढ़ाओ। सबसे बड़ा काम तो यही है। ओम सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल जी पार ब्रह्म भगवान की जय। श्री मूलकेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।